वाहिगुरू जी की फतेह। दा सरदार अमीर सिंह जनरल सैकटरी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। पिछले दिने भारी मींह अते तूफानी हवावां करके गुरुद्वारा श्री दरबार साहब करतारपुर साहब विखे दर्शन जोड़ी दीआं दो कुमचियां नूं कुछ नुकसान पहुंचिया सी। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अत्यंत धन्नवादी है पाकिस्तान सरकार दा, ग्लोबल नोबल दा अते वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड दा कि जिन्हां ने उसी दिन ही उन्हों रिपेयर करके ते शिशोबद कर दिता। मैं कुछ इत्थे बेनतियां करना चाहना कि पिछले दिन तो असी सोशल मीडिया के उत्ते देख रहे हैं, खासकर साढ़े गवांढी देश के कुछ साढ़े दोस्तां ने एक तूफान मचाया हुआ है कि जी ये फलाना हो गया, इन्ना नुकसान हो गया। कृपा करके इस तरह दी गल्लां चंगियां नहीं हुंदियां। तुहानूं ये मैं बेनती करना चाहना कि जिथे पाकिस्तान सरकार ने सिखां दे उत्ते एडा वड्डा एहसान करके करतारपुर साहब दा एडा वड्डा प्रोजैक्ट बनाया, जिहड़े अज साडे ते तनकीद कर रहे ने उन्होंने कभी इन्नी हिम्मत नहीं हुई कि वह शुकराने वजों दो लफज ही पाकिस्तान सरकार दे करन कि पाकिस्तान सरकार ने सिखा कौम वास्ते एडा वड्डा उपराला किया। जे तुसी इन्ने ही बहादुर हो, इन्ने ही तुसी शक्तिवान हो ते अपने गर्वान च छाती मारो। पिछले दिनों दे विच हिंदुस्तान दे विच 3 तो 4 इतिहासक गुरुद्वारा शहीद किया गया है। तो फिर इस तो बाद मैं बेनती करा, मेरी गल दा गुस्सा नहीं करना, क्यों कि जो पूरी दुनिया दे विच सिख रहिंदा है वो 84 के दरबार साहब के अटैक नूं भुल भी नहीं सकदा। तुसीं इहो जिहियां गल्लां करन तो पहले अपनी इन्हां चीज़ां बारे भी सोचिया करो कि जो साडे नाल हिंदुस्तान दी सरकार ने जिहड़े जुल्म और तसीहे कीते हन, जोड़े साडे इतिहासक अस्थानां नूं शहीद किया गया है, उहदे बारे भी तुसीं कदी सोच विचार कर लिया करो। असीं तां पाकिस्तान सरकार दे धन्नवादी हां कि एडे वड्डे प्रोजैक्ट और इन्ने शार्ट टाइम दे विच करतारपुर साहब दा प्रोजैक्ट बनाया, दो गुमचियां नूं नुकसान पहुंचया। तुसीं ओह 15-20 अरब रुपए के प्रोजैक्ट नूं इक साइड ते रख के ते छोटियां छोटियां चीज़ां लैके ते सोशल मीडिया च उछाल रहे हो। ये बहुत मंदभागी और माड़ी गल है, असीं इहदी निंदिया करदे हां। तुहानूं पाकिस्तान सरकार दा धन्नवाद करना चाहिए। मैं तो एक बार फिर पाकिस्तान सरकार दा, ग्लोबल नोबल दा, वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड दा, सारे इदारे दा धन्नवाद करदा हां, क्योंकि सिख कौम पाकिस्तान सरकार दा देन नहीं दे सकदी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 800 एकड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉੱਪਰ ਗੁੰਬਦ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਡੋਮ ਹਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੁੰਬਦ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਸਿਮਟਡ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ ਸਿਮਟਡ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਇਫਤਤਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਬਣੇ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਮਟਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਬਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲੇ ਸਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।